हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन चैनल स्टडी विद रितेश में। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कम समय में आप टॉप अंडर 100 रैंक तक कैसे ला सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। अब गाइज बात करेंगे यहाँ पे कि किन किन सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है गाइस 5 मार्क्स कैरी करता है, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन जो है ये आपके 450 मार्क्स कैरी करते हैं। अब बात ये आती है कि सर 450 मार्क्स में से हमको कितना मार्क्स तक लाना होता है, तो यदि आप गर्ल्स हो, है ना, गर्ल्स हो, अगर आप जीएनएम कोर्स चाहते हो तो कम से कम यहाँ पे आपको 250 प्लस मार्क्स के ऊपर जाना होता है ना। और यदि आप बॉयज हो और आप फार्मेसी, लैब टेक, ओपथल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, इन सभी कोर्सेज में से किसी एक को करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप लोगों को 250 प्लस मार्क्स लाना होता है, ठीक है। अब दोस्तों जानेंगे हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2023 के सिलेबस के बारे में, यानी कौन कौन से टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो बिहार पैरामेडिकल, देखिए ध्यान से समझना है, बिहार पैरामेडिकल 2023 सिलेबस, तो सिलेबस में पहले साइंस में देखते हैं, यानी साइंस में पहले फिजिक्स के टॉपिक्स को देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक एवं विमाएं, इस टॉपिक से भी प्रश्न आता ही आता है। मोशन यानी गति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति पढ़ना है। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से भी आता है। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गति की। ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन ये क्या है, दोलन है, SHM वगैरह पढ़ना होता है, सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ना होता है। वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट यानी तरंग गति एवं डॉपलर प्रभाव, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कैपेसिटर से भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद रे ऑप्टिक्स। तो फिजिक्स में आपको कम से कम यहाँ पे 13 टॉपिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध के बारे में पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बाद इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, इससे भी यानी ये तो टॉपिक VVI बहुत ही VVI माना जाता है और इस टॉपिक से भी जो है हर साल प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसके बाद सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी विलयन तथा वितरित नियम, इसके बाद कोलाइडली स्टेट एंड कैटलिस्ट, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडाइनेमिक्स, इसके बाद पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, इट्स कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इतने सारे जो हैं टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। अब देख लेते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी पशु साम्राज्य का वर्गीकरण, नॉन कॉर्डेट्स एनिमल यानी अकशेरुकीय जंतु के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड बॉटनी, कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ साइट्रॉपिक ड्रग्स, इसके बाद एडिबल पार्ट्स ऑफ सम कॉमन फ्रूट्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो देख सकते हैं बच्चों इतने सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बायोलॉजी में पढ़ने होते हैं, तभी जाकर आप 7 से 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया ना फिजिक्स से
फिजिक्स से जो है 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फिजिक्स के बारे में मैंने बताया, इसका सिलेबस, इसका टॉपिक्स, तो यहाँ से फिजिक्स में आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में भी 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और बायोलॉजी में भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तभी जाकर यहाँ पे 25 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों साइंस का सिलेबस जो आपको पढ़ना होता है। अब देखिए इंग्लिश की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो इंग्लिश में आपको पास्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत देखो नाउन पढ़ना होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरगेटिव, टेंस, वॉयस, नरेशन, सिंटेक्स, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश को ना दो सेक्शन में डिवाइड किया गया यहाँ पे। तो पहला सेक्शन जो है ग्रामर का होता है, यानी इसमें पास्ट ऑफ स्पीच में ये सब चीजें पढ़ना है आपको, ठीक है। और सेक्शन बी में आपको वोकैबुलरी पढ़ना होता है, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, करेक्टली स्पेल्ड, ये सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हिंदी का सिलेबस देखेंगे गाइस, तो हिंदी में आपको वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अव्यय, निपात, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अलंकार, रस, हिंदी साहित्य, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। और अब इसके बाद देख सकते हैं मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है गाइज, तो नंबर सिस्टम है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, औसत, आयु संबंधी, प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, बीजगणित, सरलीकरण, मिश्रित, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको मैथ्स के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। और जीके का भाई सिलेबस भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जीके का तो कोई लिमिटेशन नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा इस चैनल पे कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जीके के भी जो है काफी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार पैरामेडिकल 2023 का सिलेबस, ठीक है। देखिए बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा है। यानी अगर आप इन सब चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज आप लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स बहुत ही कम फी में रखा गया है, यानी आपको फुल कोर्स ये सभी चीजें मात्र 699 रुपीज में मिलने वाली है। यानी आपको हमारा एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल करना होगा, वहां पर जाना होगा, पीएम 2023 कोर्स शो होगा, है ना, और वहां पे जो है बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो और इन सभी चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। और आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। अब देखिए फीचर्स क्या क्या रहेंगे, तो आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट होगा, और इसके बाद डाउट सेशन भी आपको दिया जाएगा सप्ताह में एक बार, ठीक है। और इसके बाद जब आपका सिलेबस, अब ये सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, तो कम से कम सिलेबस जो है आपका 4 मंथ चलेगा, यानी 4 महीने के बाद जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपको जुड़े हुए रहना है, मॉक टेस्ट लगाना है, क्विज होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना है ना। तो आपको कई सारी जो है फैसिलिटी हमारे तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।